सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो मेरठ एंड होता है वहां का ये टोल प्लाजा है दोस्तों, और टोल प्लाजा पे जो टोल लगता है वो है 155 रुपये। दोस्तों देख सकते हो यहाँ से ये आगे जाकर ये एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है दोस्तों प्रतापपुर में जाके। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये प्रतापपुर का बोर्ड है और इस पर आरआरटीएस क्रॉस करेगी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। तस्वीर आप लोग देख सकते हो और मेरे लेफ्ट हैंड पे है दोस्तों मेरठ साउथ का आरआरटीएस का स्टेशन, और देख सकते हो किस तरीके से ये क्रॉस किया जा रहा है। मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगी आरआरटीएस दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो और देखो ये आरआरटीएस के पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, जिस पर सेटरिंग लगी हुई है। और चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे चल के कि प्रतापपुर का ये आरआरटीएस के स्टेशन कितना बन चुका है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखो सारे पिलर अब ये सेटिंग लगी हुई है, ये इस पर पियर कैप का काम किया जा रहा है। बाकी ये पिलर कंप्लीट हो गए हैं, अब इन पर एक पिलर से दूसरे पिलर को भी कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि बीम डाल के और इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और इस पर गाटर लॉन्चिंग भी होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो कि किस तरीके से एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में इसमें बीम डाल के और इसको जोड़ा जा रहा है दोस्तों। और ये नज़ारा है दोस्तों प्रतापपुर आरआरटीएस का स्टेशन आगे देखने के लिए मिलेगा। और उससे पहले यहाँ पर ये लॉन्चर को लॉन्च कर दिया जा चुका है दोस्तों। देख सकते हो किस तरीके से ये लॉन्चर को लॉन्च किया गया है। एक लॉन्चर ये देखने के लिए मिलेगा आप सभी को, जिसने एक पिलर कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा लॉन्चर आप सभी को ये देखने के लिए मिलेगा जो कि प्रतापपुर स्टेशन से, और ये आ रहा है आपका मेरठ साउथ के स्टेशन के लिए जोड़ता हुआ ये वाला लॉन्चर। देखो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रतापपुर, रिठानी और शताब्दी नगर और आगे ब्रह्मापुरी का स्टेशन जो आएगा वो आपको बता दूं कि मेरठ मेट्रो इस पे चलेगी और आरआरटीएस भी चलेगी। तो इस पे डबल मेट्रो इस पे चलने वाली है दोस्तों। मेरठ मेट्रो भी चलेगी और इस पर आरआरटीएस भी चलाई जाएगी दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, इस बायोडक्ट को जोड़ दिया है और साइडों में देखो गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है, इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। ये प्रतापपुर का स्टेशन है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी को ये अपडेट देखने के लिए मिलेगी केपी संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि 3-4 महीने के बाद में यहाँ की बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, पहले इतना वर्क नहीं हो पाया था दोस्तों। देख सकते हो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोनों साइडों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और उसके बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो इसका बायोडक्ट जोड़ दिया जा चुका है उस पर अभी जो वर्क चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है। जो ट्रैक के स्लैब हैं दोस्तों उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, इस पर ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं अभी पूरे रूट पे, और फिर इसके बाद में इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाएंगे, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में लास्ट में इस पर ओवरहेड वायरिंग डाली जाएगी दोस्तों। तो अभी यही प्रोसेसिंग चल रही है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और अभी आप लोगों को बता दूं इसमें पैराफिट वॉल तो लगा दिए जा चुके हैं, इस पर रेलिंग लगाई जानी है, रेलिंग भी लगाई जाएगी दोस्तों। तो अभी ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है, बस इस पर ट्रैक स्लैब बिछाने का काम किया जा रहा है। और आगे आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेंगे कि ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं जो कि गाड़ियों से भी आ रहे हैं और डाले भी जा रहे हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना, देखो ये रखे हुए हैं ना ट्रैक स्लैब, और यही ट्रैक स्लैब ये ऊपर बायोडक्ट के ऊपर बिछाए जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में इस पर ट्रैक स्लैब बिछाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी टाइम लगता है वो ट्रैक स्लैब बिछाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये डाले जाते हैं, पहले सरियाओं का जाल बनाया जाता, फिर ट्रैक स्लैब रखे जाते, फिर उसमें कंक्रीट का मसाला भरा जाता, यानी कि इसको मजबूत किया जाता है दोस्तों। और आप लोगों ने वीडियो मेरा नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा उसको, वीडियो को देख लेना जाकर कि ट्रैक स्लैब को कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोस्तों। और ये स्टेशन आ चुका है रिठानी मेरठ, आरआरटीएस का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। इस पर मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी और आरआरटीएस भी दौड़ेगी। तो गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में देख सकते हो फ्लोरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। ये फ्लोरिंग की सेटिंग लगी हुई है दोस्तों, इधर अभी नहीं की गई है। तो इसमें भी देख सकते हो ये बीच में सरियाओं का जाल बिछाया जा रहा है फिर उसके बाद में। और स्टेशन की बात करें तो कॉन्कोर्स लेवल तो बन चुका है, अब प्लेटफॉर्म लेवल की तैयारी चल रही है, उस पर ही वर्क चल रहा है प्लेटफॉर्म लेवल पर ही। इस रिठानी के स्टेशन पर भी, प्रतापपुर के स्टेशन पर भी, और आगे देखने के लिए मिलेगा आपको शताब्दी नगर का स्टेशन आरआरटीएस के दोस्तों। देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है किस तरीके से, दोनों पिलर को जोड़ने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है। क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये मेरठ में मेट्रो चलाई जानी है इस रूट पे दोस्तों, और आरआरटीएस भी दौड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वर्क चल रहा है दोनों साइडों में। तो ट्रैक तो देखो बिछा दिया जा चुका है, पूरा ही क्लियर कर लिया जा चुका है। जो मेरठ का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है, यानी कि प्रतापपुर से पहले दोस्तों दोनों साइड के लॉन्चर लगे हुए हैं। तो एक तो इधर पड़ेगा आपका मेरठ साउथ की तरफ स्टेशन क्या नाम लॉन्चर, और एक वहाँ से उतार लिया जाएगा दोस्तों, वो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी वो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और जो टाइम हो रहा है वो शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों, और ये 7 बजे का ही वीडियो आप लोगों को शूट करा है मैंने आप सभी के बीच में, कि इस रूट की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आप सभी को देखने के लिए मिलेगी मेरठ की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, सपोर्ट करो दोस्तों। तो मैं आगे का भी आप लोगों को बेगमपुल का भी दिखाएंगे, भैचाली का भी दिखाएंगे, मेरठ सेंट्रल का भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ दोस्तों वीडियोस में, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये दिल्ली के सरायकाले खान यानी कि निजामुद्दीन से स्टार्ट होती है, और ये मेरठ के एंड में जाके यानी कि मोदीपुरम में जाके इसका एंड हो जाता है। 82 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों, और जो प्रियोरिटी सेक्शन है वो 17 किलोमीटर का पार्ट है, जिसमें पहली बार रैपिड रेल चलाई जानी है। कुछ ही दिनों के बाद में ऑपरेशनल कर दी जाएगी जनता के बीच में, जो कि गाज़ियाबाद के साहिबाबाद से लेकर और दोहाई तक के बीच में चलाई जाएगी, जहां पर इसका घर बनाया गया है यानी कि दोहाई डिपो बनाया गया है दोस्तों। और आप लोगों ने दोहाई डिपो के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लेना, हाई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोग इन्जॉय करो ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और ये 30,274 करोड़ की लागत से इस रूट को बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें से 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों अंडरग्राउंड है यानी कि ज़मीन के अंदर है, 6 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों आनंद बिहार में है, और 6 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों मेरठ सिटी के अंदर है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये केपी संत द्वारा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों। देख सकते हो सारे में ही इस पर पैराफिट बॉल लग दे जाने के बाद में इस पर अब जो ट्रैक स्लैब हैं वो डाले जा रहे हैं दोस्तों, बिछाए जा रहे हैं, उसी का इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ये जो ऑपरेशनल की जाएगी जनता के बीच में वो सन 2025 में जनता के लिए ऑपरेशनल कर दी जाएगी दोस्तों इस रूट को, यानी कि दोहाई से लेकर और मेरठ तक ये सन 2025 में चलाई जाएगी दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो अब यहाँ तक ये लॉन्चर ने देखो लॉन्चर लगा हुआ है, यहाँ पर ये गाटर ये बायोडक्ट को क्लियर कर चुका है, और ये शताब्दी नगर का स्टेशन आ चुका है दोस्तों। देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस पर स्टेशन से पहले, और सेटरिंग भी लगी हुई है। यहाँ पर इसके बीम डाले जा रहे हैं, दोनों पिलर के बीच में बीम डाल के, और देख सकते हो जोड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों। इधर भी ये बीम डाल दिए हैं और इन्हें दोनों पिलर को अब कनेक्ट किया जाएगा कंक्रीट की मदद से दोस्तों। और ये आ चुका है शताब्दी नगर का स्टेशन दोस्तों। देख सकते हो तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, इस आरआरटीएस को बनाया जा रहा है दोस्तों। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग की जा रही है स्टेशन पे शताब्दी नगर के, आरआरटीएस के स्टेशन पर देख सकते हो सेटरिंग लगी हुई है और इस पर कॉन्क्रीट लेवल का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर प्लेटफॉर्म लेवल का वर्क चल रहा है तेजी के साथ में और दोनों साइड में आप लोगों को यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो ये सन 2024 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा रोड, आप लोगों को बता दूँ। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्या नज़ारे हैं यहाँ के और क्या खूबसूरती है। और रात का ये ब्लॉग है दोस्तों, पहली बार मैंने शूट किया है, तो आप लोग क्या बताना कैसा लगा आप सभी को। देख सकते हो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, सेटरिंग लगी हुई है यहाँ पे और इसको लॉन्च कर रहे हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कनेक्ट किया जा रहा है, साइडों में भी ये दीवारें बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और आगे के पिलर ये अभी बनाए जाएंगे। देख सकते हो बीच का पिलर ये बना हुआ है, मतलब कि इसका आधा पिलर बन गया था पहले ही और आधा पिलर आप बनाया जाएगा। और यहाँ सॉफ्ट रेक्स मॉल है राइट हैंड पे दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये शताब्दी नगर का आरआरटीएस का स्टेशन है मेरठ के अंदर में दोस्तों। और यहाँ पर इस पर मेरठ मेट्रो भी चलाई जाएगी और आरआरटीएस भी दौड़ेगी, यानी कि रैपिड रेल भी इस पर दौड़ेगी दोस्तों और मेरठ मेट्रो भी दौड़ेगी दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीर। और वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।